हैं आप नेक्स्ट नाइन न्यूज। एक बार फिर से स्वागत है दर्शकों हमारे चैनल में आप सभी का, जहां मैं आप सभी के बीच आपकी होस्ट तृप्ति लेकर आई हूँ ये शो आपकी फेवरेट फिल्मी सफर से जुड़ी हिंदी सिनेमा इंडस्ट्री के कलाकारों को लेकर आई एक खबर ऐसी आपको दूंगी जो वाकई में बड़ा झटका है सलमान की फैमिली के लिए। सलमान खान को लेकर आई है एक बहुत ही ज्यादा वर्स्ट न्यूज। बिग बॉस सीजन 13 के एंड होने के बाद, ग्रैंड फिनाली के बाद, जो सलमान काफी ज्यादा ट्रॉल हुए, बाइस्ड होस्ट जिसे कहा गया, जो सलमान शो बिग बॉस सीजन 13 के बाद शो के सीजन 14 को होस्ट ना करे इसकी लगाई गई गुहार, वो सलमान खान फिर पड़ गए हैं बड़ी मुसीबत में। सलमान खान के लिए बहुत बड़ा झटका है फिलहाल एक ऐसे कलाकार का स्टेटमेंट जो उनकी आने वाली फिल्म राधे द मोस्ट वांटेड भाई में नहीं कर पाएंगे काम। कौन है वो जिसने किया है ये बड़ा स्टेटमेंट का खुलासा सलमान की फिल्म को लेकर, जो कि सलमान की करोड़ों रुपए की लागत वाली इस फिल्म के लिए नुकसान भी माना जा सकता है, हम आपको हमारे स्पेशल प्रोग्राम की इस रिपोर्ट में पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन से रूबरू कराएंगे। तो इंतजार किस बात का, आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। जी हाँ, यहाँ हम बात कर रहे हैं आप सभी के बीच सुपरस्टार सलमान खान को लेकर आई उस बुरी खबर के बारे में, जिसे सुनकर लगेगा आप सभी को भी झटका, क्योंकि सलमान खान जहाँ अपनी फिल्म राधे को लेकर बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं अच्छे वक्त का, अच्छे समय का सलमान खान के लिए, बुरी खबर ये है कि सलमान खान इस फिल्म में करोड़ों रुपए लगा चुके हैं। अफसोस, सलमान खान ने इस फिल्म में करोड़ों रुपए तो लगाया, लेकिन जो एक बड़ी न्यूज़ आई है सलमान खान की फिल्म को लेकर, करोड़ों की बर्बादी को लेकर, वो ये है कि इस फिल्म के लिए एक एक्टर है जिन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि इस फिल्म का वो हिस्सा नहीं बन पाएंगे। स्केड्यूल की वजह से, हैक्टिक रूटीन की वजह से, डेट इश्यूज के कारण। दबंग 2 में दीपक डोबरीवाल ने सलमान खान के साथ काम किया था, प्रेम रतन धन पायो में भी काम किया था। ऐसे में राधे के साथ सलमान खान अगर काम कर रहे हैं तो उसमें अगर वो नज़र आते तो बहुत अच्छा होता। दबंग 2 और प्रेम रतन धन पायो दोनों ही फिल्में सलमान की अच्छी हिट हुई थी। ऐसे में सलमान खान के साथ प्रेम रतन धन पायो के बाद क्या अब काम करेंगे दीपक डोबरीवाल, जानना चाहते हैं लोग, तो आपको बता दें ऐसा नहीं होने वाला है, सलमान खान के साथ वो काम नहीं करने वाले हैं। इस पर उन्होंने रिसेंटली स्टेटमेंट भी दिया और उन्होंने बताया है क्यों वो काम नहीं कर पाएंगे। उन्होंने बताया, वी वेयर गोइंग टू कोलैबोरेट ऑन राधे बट आई कुडंट बी पार्ट ऑफ इट ड्यू टू डेट इश्यूज। इट वाज अ पॉजिटिव रोल, इट कुड बी अनफेयर नाउ टू टॉक अबाउट द रोल। वी कुडंट एडजस्ट द डेट्स एज आई हैड द प्रमोशंस ऑफ अंग्रेजी मीडियम एंड देन अनदर फिल्म ऑफ माइंड गॉट पुश टू, सो थिंग्स डिडंट वर्क। दीपक डोबरियाल ने ये कहा कि टाइम की वजह से, डेट की वजह से, तारीखों की वजह से ये हो रहा है। बता दें, इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है सुहेल खान और रियल लाइफ प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड ने, और तो और साथ में सलमान खान फिल्म्स के अंदर भी ये फिल्म बनी है, तो पैसे 1 करोड़ों तो सलमान ने भी लगाए हैं इस फिल्म के लिए, जिससे कहीं ना कहीं दर्शकों को झटका तो लगा होगा जानकर कि इस फिल्म के साथ सलमान खान के कलाकारों के बीच, यहाँ पर बाकी से किरदारों के बीच उनके बड़े अभिनेता उनके हाथ से छूट गए हैं इस फिल्म के लिए। दोस्तों, ये था हमारा शो आप सभी के फेवरेट सलमान खान को लेकर। हमने आपके बीच बात की है सलमान खान के बारे में, उनके फिल्मी सफर के बारे में, उन्हें होने वाले नुकसान के बारे में। इसी के साथ बड़ी खबर ये है कि सलमान रिसेंटली ट्रॉल भी हुए थे राधे द मोस्ट वांटेड भाई के साथ। YRF के जुड़ने की जो खबर आई, प्रोडक्शन कंपनी YRF जो आदित्य चोपड़ा की, इसके जुड़ने की बात आई, तो ऐसे में ट्रॉल हुए कि सलमान डर गए हैं अक्षय कुमार से। क्या अक्षय पर मुसीबत टूटी है सलमान खान की इस फिल्म के साथ YRF के जुड़ने के बाद, या फिर सलमान जो बार बार फ्लॉप मूवी को लेकर सुर्खियों में आ रहे हैं कि दबंग 3 बहुत बड़ी कमाई ना कर पाई, तो सलमान डर गए हैं, ये डर उनका सच साबित होगा।
ये तो जानना होगा फिल्म की रिलीज के बाद। फिलहाल लेंगे आपसे यही इजाजत, देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।